नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। त्रिपुरा में किसानों ने इस साल अनानास की बम्पर खेती की है। पिछले साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनानास को त्रिपुरा राज्य का फल घोषित किया था, जिसके बाद से त्रिपुरा वासियों में इस फल को उपजाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। किसानों ने इस साल ज्यादा पैमाने पर अनानास की खेती की है। सोनामुरा जिले के 500 किसानों ने अनानास की खेती की है, लेकिन वहाँ के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। गांव के किसानों ने कहा कि इस साल हम लोगों को तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सभी गांव वालों के परिवार का पालन पोषण इसी खेती पर निर्भर है, लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं होने के कारण हम लोगों का सामान बिक नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर बंदरबारी के मलिक मियां हैं, जो इस साल 100 एकड़ में अनानास की खेती किए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल व्यापारी के नहीं आने के कारण हमने 10,000 अनानास को अपने बगीचे में ही डिकम्पोज कर दिया है। अब्दुल मलिक, जो सिपहीजाला जिले के बक्सा नगर ब्लॉक के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि हमने सोनामुरा बाजार में 100 के आसपास अनानास के सैंपल के तौर पर भेजा था, लेकिन वह नहीं बिक पाया। बाद में उन सभी अनानास को बगीचे में डिकम्पोज करना पड़ा था। राज्य सरकार ने इस ओर कदम उठाते हुए अनानास का एक सैंपल कमालपुरा गांव, जो बांग्लादेश की धलाई जिले में पड़ता है, वहां भेजा, लेकिन पास की बॉर्डर जिले ने ज्यादा रेट की वजह से लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मेघालय राज्य से ही इसकी खरीदारी कम पैसे में कर ली। वहीं राज्य सरकार ने दावा किया है कि राज्य ने अब तक 1,72,000 अनानास, जिसका कुल भार 193.10 मीट्रिक टन की बिक्री की है। 113 मीट्रिक टन क्वीन वेराइटी के अनानास विदेश में भेजा गया है, जिसमें 100 मीट्रिक टन बांग्लादेश में भेजा गया है। वही बाकी के भारत के ही विभिन्न राज्यों में भेजा गया है। बांग्लादेश को छोड़कर और कोई भी देश में त्रिपुरा का अनानास नहीं निर्यात किया गया है। आपको बता दें कि मॉनसून आ चुका है और बारिश पड़ने से अनानास के फल खराब हो जाते हैं, अतः किसानों का अनानास अगर नहीं बिकता है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार को किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद। Thank you.